हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे FY BCom सेमेस्टर 1 में जो डिसीशन थ्योरी चैप्टर है आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, तो एक इजिएस्ट टॉपिक और एक स्कोरिंग जो टॉपिक है वो डेट इज़ अ डिसीशन थ्योरी, आप सभी को पता है। तो इसके अंदर एक तुम्हारा आता है डिसीशन ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चन मेंशन है वो 2018 मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसको सॉल्व कैसे करना है, इच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को शुरुआत करूँ, ये पूरा सारा एक्सप्लेनेशन दूँ आपको, उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाले टाइम पर और भी आपको अपडेट या ऐसे वीडियोज़ मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको जो दिख रहा है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ड्रॉ द डिसीजन ट्री फॉर द गिवन पे ऑफ एंड सजेस्ट द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का यहाँ पे होता है कम, मतलब अगर हम लोग को जो आंसर आना चाहिए वो मैक्सिमम में आएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में लिख कर आता है डिसीजन ट्री, फिर से सुनो क्या लिख कर आता है, डिसीजन ट्री अगर आपको एग्जाम में लिख के आता है और ये आपका क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ पॉलिसी, दो टाइप की पॉलिसी है, हाई मीडियम लो, पार्टिसिपेशन लेवल दिया है और एट द एंड आपको दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी। क्या दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आपको करना है इस तरह से डायग्राम, ये है तुम्हारा डिसीजन, ठीक है, डी लिख सकते हैं। अब इसमें तुम्हारी दो पॉलिसी है तो हमने ए और बी बना लिए, आई एम राइट। इसके अंदर तुम्हारे हाई मीडियम लो, तो S1 S2 S3 है ना, ये तुम्हारा क्या है, स्टेटस ऑफ नेचर। तो S1 हमारा हाई है, S2 हमारा मीडियम है, S3 हमारा लो है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो मैं लिख सकता हूँ S1 S2 S3, सेम उसी तरह B में भी है, ये हम सोल्यूशन ही कर रहे हैं, ठीक है। S1 S2 S3, फिर से सुनो, ये दो तुम्हारे क्या थे, एक्शन थे। अब ये दोनों में S1 S2 S3 S1 S2 S3 अगेन, यहाँ भी S1 S2 S3 है, तो S1 S2 S3 अब बना दी। अब मेन करना क्या है, अब बहुत इजी प्रोसेस है। अब S1 का 20 है, व्हाट इज दैट, 20 मल्टीप्लाई बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.35। अब S2 में आ जाओ, 18 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.30। अब S3 में चले जाओ, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.35 ना, यस 0.35, ठीक है, अच्छे से लिख लो। सेम पहले आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अगेन बी में, जो तुम्हारी बी टाइप की पॉलिसी, उसमें S1 क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.35। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 0.30, देन लास्ट 20 मल्टीप्लाई 0.35, ठीक है। जस्ट आपने लिख लिए, अगर आपका सी भी होता, जैसे ए बी सी, A1 A2 A3 होता, तो यहाँ से एक और तुम्हारा बॉक्स बन जाता था, ठीक है। अब जस्ट आपको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, 2 इंटू, फटाफट करेंगे, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.35, यू विल गेट 7। क्या मिल रहा है आपको, 7। अब यहाँ करो 18 मल्टीप्लाई बाय 0.30, यू विल गेट 5.4। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.35, यू विल गेट 3. डन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब S3 में आ जाओ, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 5.25। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 9. 20 मल्टीप्लाई बाई 0.35, यू विल गेट 20 मल्टीप्लाई बाई 0.35, यू विल गेट 7। क्या मिल रहा है यहाँ पर, 7। अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अब ये आपने रेडीमेड आंसर निकाल दिए, अब आ जाओ EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पॉलिसी। ए में हम लोगों को क्या मिला, 7 प्लस करने का, ठीक है, 5.4 प्लस 3.5,
ये जो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला जस्ट प्लस करना। अब बी में भी कर लो पहले आप लोग, 5.25 + 9 + 7 = अब दोनों को पहले क्या करना है आपको, प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है? प्लस। चलो ठीक है, 7 + 5.4 + 3.5 यू विल गेट 15.9। क्या मिल रहा है? 15.9 मिल रहा है। मतलब ये A1 का अगर हम लोग चेक करेंगे तो 15.9 आएगा। क्या आएगा? अब B का करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिसी B 5.25 + 9 + 7 = 21.25 ये हो गया B पॉलिसी। अब मुझे आप ये बताओ, A बड़ा है मतलब मैक्सिमम कौन सा है? A और B मल्टीप्लाई करने पे, प्लस करने पे सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? बी आ रहा है। डेट इज़ अ 21.25। अब फाइनल आंसर कैसे लिखना है? सो चूज द पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी चूज करोगे आप, ए क्या बी? ए सॉरी, क्या पॉलिसी करूँगा मैं? बी विथ उसका पे ऑफ कितना है? पे ऑफ कितना है तुम्हारा? 21.25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एक छोटा सा सम आपको 5 मार्क्स के लिए आते हैं। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर 1 से 2 वीडियो और लेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो रिक्वेस्ट है एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारा एक FI BCom Max का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टोटली फ्री है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप हमारे साथ में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।